नमस्कार मित्रों, रुचि चिंतन में आपका स्वागत है। क्या बनना चाहेंगे आप? कुछ दिनों से उदास रही अपनी बेटी को देखकर मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। ऑफिस में बॉस का फटकार, दोस्तों की बेमतलब की नाराजगी, पैसा की दिक्कत, मेरा मन बिल्कुल अशांत रहने लगा है। माँ जी, मैं तो आता है कि यह सब छोड़कर कहीं चली जाओ। बेटी ने रुआ से होते हुए कहा। माँ यह सब सुनकर गंभीर हो गए और बेटी का सिर सहलाते हुए किचन में ले गई। वहाँ उन्होंने तीन पैन उठाए और उनमें पानी भर दिया। उससे बाद उन्होंने पहले पैन में करंट, दूसरा में एग्स और तीसरा में कुछ कॉफी बीन्स डाल दी। फिर उन्होंने तीनों पैंट्स को चूल्हे पे चढ़ा दिया और बिना कुछ बोले उन्हें खोलने का इंतजार करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने गैस बंद कर दिया और फिर एक एक करके करंट और एग्स अलग अलग प्लेट में मिला कर दिए और अंत में एक मग के काफी उदेल दी। बताओ तुमने क्या देखा? माँ ने बेटी ने पूछा। करंट एक्स कॉफी और क्या, लेकिन यह सब करने का क्या मतलब है? जवाब आया। माँ बोली, मेरे करीब आओ और इन करंट को छू कर देखो। बेटी ने छू कर देखा, करंट नर्व हो चुके थे। जब एम्सो देखा, बेटी ने एक एग हाथ में लिया और देखने लगी। एक बाहर से तो पहले जैसा ही था, अंदर से सख्त हो चुका था और अंत में माँ ने कॉफी वाला मग उठाए कर देखने को कहा। इसमें क्या देखना है, यह तो कॉफी बन चुका है, लेकिन यह सब करने का मतलब क्या है? बेटी ने कुछ सुछलाते हुए पूछा। माँ बोली, इन तीनों चीजों को एक ही तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा, खोलना पानी, लेकिन हर एक ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। करंट पहले तो ठोस था, पर खोलते पानी रूपी मुसीबत आने पर कमजोर और नरम पड़ गया। वही एक पहले ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट था, पर मुसीबत आने के बाद उसे छोड़ तो गया, पर वह अंदर से बदल गया, कठोर हो गया, सख्त दिल बन गया। लेकिन कॉफी बीन्स तो बिल्कुल अलग थी। उसने सामने जो दिक्कत आई उसको सामना किया और मूल रूप खोए बिना खोलते पानी रूपी मुसीबत को कॉफी की सुगंध में बदल दिया। तुम उसमें से कौन हो? माँ ने बेटी ने से पूछा। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो तुम किस तरह रिएक्ट करती हो? तुम क्या हो? करंट, एग और कॉफी बीन्स। बेटी माँ की बात समझ चुकी थी और उसके माँ से वादा किया कि वो सब उदास नहीं होगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना अच्छे से करेंगी। हमारे साहित्य को घर घर पहुंचाए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।